एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विजय आराम देखे ट्रैवल विद भी। तो आज मैं जा रहा हूँ वांगनी वाटरफॉल देखने के लिए। तो चलते हैं, वांगनी वाटरफॉल आपको दिखाते हैं। और यहाँ से नहीं, स्टोरी चालू हुई है मुंबई से। तो मुंबई से वाटरफॉल लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है और मैं जा रहा हूँ अपने स्कूटी से। अब पीछे का नज़ारा देख लीजिए। संडे है इसलिए इतनी भीड़ नहीं है, बहुत ट्रैफिक होता है। ऊपर देखिए पहाड़ पे, वाओ फकिंग वाओ, ब्यूटीफुल वेदर है एकदम। और ड्राइव करने भी बहुत मजा आ रहा है एकदम। मैं जा रहा हूँ वांगनी के भापुजति वाटरफॉल से। इसके लिए अपने को रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड से ग्रीनरी है। मजा आएगा, ग्रीनरी और सीन है क्या। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है। तो राइडिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, ड्राइव करने में। क्योंकि यह सुंदर सा रोड है, बिल्कुल खाली है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। क्योंकि आज संडे छुट्टी का दिन है, काफ़ी लोग घर में हैं और काफ़ी लोग इंतजार करने के लिए निकले हैं। रेलवे लाइन के साथ साथ ही चल रहे हैं हम लोग। बाजू से खेल जा रही है ग्रोथ। सुंदर व्यू है साइड में, थोड़ा सा रेलवे लाइन। मैं जिस वाटरफॉल को विजिट करने जा रहा हूँ, उस वाटरफॉल का नाम है भागीरथ वाटरफॉल और ये पड़ता है वांगनी में। वांगनी से लगभग 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। संडे काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पे। पूरा एकदम क्लाउडी बरसाती मौसम है, एकदम बढ़िया व्यू है चारों साइड में। वाटरफॉल से ज़्यादा वहाँ तक जाने का रास्ता खूबसूरत होता है। ऐसा गेट दिखेगा, यहाँ से हमको एंट्री करना है वांगनी के भागीरथ वाटरफॉल के लिए। ऑफ रोड है, लेकिन रास्ता बढ़िया है, बहुत सुंदर। देखिए दोनों साइड में ग्रीन थी और बीच से सुंदर सा रोड। वांगनी स्टेशन से आते हैं तो आपको यहाँ पे आने के लिए ऑटो मिल जाएगी। वो नीचे 30 रुपया पर सीट लेते हैं आपको वाटरफॉल तक लाके छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ वाटरफॉल के बाद स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड। वहाँ से आपको जाने के लिए भी रिक्शा मिल जाएगी आराम से। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर से गाँव में से रास्ता गुजरता है, एंजॉय कर सकते हैं आप।
वाह सामने का व्यू देखिए, वाह कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है क्या, काम कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। सुंदरता रास्ता ले जाता है वाटरफॉल तक के लिए, वहाँ यहाँ रास्ते में मैं रुक गया हूँ, एक बढ़िया सा सुंदर सा नज़ारा सामने आया, तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, एकदम बढ़िया पूरा, देखो पहाड़ पे बादल ही बादल आए हैं, ऊपर आसमान में काले बादल गिरे हैं जैसे बारिश होने वाली है, और चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी, बीच में से ये सुंदर सरोवर। वाह ब्यूटीफुल नेचर, अमेजिंग मैन, अमेजिंग, बारिश में पहाड़ों में घूमने का मजा ही अलग होता है। यहाँ पे फोन भी सब बना हुआ है, ओह गॉड व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, लवली मैन लवली। बादल ही बादल चारों ओर, फॉगी फॉग। क्या व्यू है जैसे बारिश में, वाह छोटी हो रही है, देखिए ट्रैक्टर से देखिए वाटरफॉल दिखाई दे रहा है सामने ही, कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे वाटरफॉल जाने का ट्रैक, और थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही ट्रैक है ऊपर। बारिश भी हो रही है जोरदार एकदम, और जंगल के बीच में से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वाटरफॉल तक जाने के लिए। देखो इस तरह से एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है, मतलब पानी का इसको क्रॉस करना है, पानी का फ्लो है बहुत ज्यादा। नीचे बड़े बड़े पत्थर है, कुछ संभाल के आइए, पत्थर हिल रहे हैं। पानी का फ्लो देखिए कितना है, और ये है ट्रैक। सुनसान जंगल में से रास्ता जा रहा है, देखिए दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट है एकदम, और बीच में से ये रास्ता वाटरफॉल के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं चावल की खेती की गई है, और ऊपर माउंटेन देखिए एकदम क्लाउडी, बरसात भी हो रही है हल्की हल्की। वाटरफॉल पे भी ऊपर पुलिस बैठी है और किसी को जाने नहीं दे रही है,
मगर जहाँ तक हो गया मैं गया था ऊपर, वो वाटरफॉल आपको दिखा दिया मैंने, वो देखिए मेरे पीछे वाटरफॉल दिख रहा है आपको ऊपर। तो अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ यहाँ से अपने बाइक के पास। वही वाटरफॉल है जो आप सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा ये है लेकिन पुलिस ने सब बंद कर दिया आज कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। वीडियो को एंड करते हैं, ऊपर से वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर मानसून, बाय बाय।